नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पेटीएम बैंक एजेंट ऐप के एक नए अपडेट के बारे में। दोस्तों यदि आप भी पेटीएम बैंक एजेंट ऐप के रिटेलर हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आगे है पेटीएम बैंक एजेंट ऐप का नया वर्जन। जो नया वर्जन अब आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 5.3.7। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पेटीएम बैंक एजेंट ऐप के अंदर अब आपको नया नया क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आ गए हैं हम अपने पेटीएम बैंक एजेंट ऐप में। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर जितने भी रिटेलर हैं अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना रजिस्टर बैंक एजेंट ऐप मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमको जो है अपने आधार कार्ड के शुरू के 4 अंक डालने हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड के शुरू के 4 अंक डाल देता हूँ। आपको भी इसी प्रकार से अपने आधार कार्ड के शुरू के 4 अंक डाल देने हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर हमको एक बार एंटर करना है और दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP हमको यहाँ पर दर्ज करनी है। OTP आ चुकी है। OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है एक नया यहाँ पर सेट न्यू पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है इसमें A से लेकर Z तक बड़े अक्षर जो है आप लगा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप छोटे सेकंड वाला दिखा रहा है कि आप जो है A से लेकर Z तक छोटे वर्ड भी यूज करने हैं आपको और यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक आपको वर्ड यूज करने हैं, जैसे 1, 2, 3। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे यानी कि आपको कई तरह के ABCD भी आपको यूज करनी है, स्टार भी यूज कर सकते हैं और हैज भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सब मिलाकर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। आपको ऊपर भी वही लिखना है और नीचे भी वही लिखना है और पोस्टिट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है बैक टू लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली हो चुका है और बैक के ऑप्शन पर बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पर हमको एक बार क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको फिर से अपना मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो हमारा रजिस्टर नंबर है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू के ऑप्शन पर एक बार टैप करता हूँ। रजिस्टर मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर मैं एक बार टैप कर देता हूं। और यहां पर दोस्तों हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और हमारा जो है ये प्रोसीड हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आप देख सकते हैं वर्जन 5.3.7। तो थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर मुझे अपना जो मैंने नया पासवर्ड क्रिएट किया था वो मुझे यहाँ पर एंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर मुझे एक बार क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसको एक बार लॉगिन कर लेता हूँ और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों लॉगिन वाले ऑप्शन पर मुझे एक बार क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऐप है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कुछ खास बदला नहीं, बस यहाँ पर आपका लोगो चेंज हो चुका है। जो भी आपका पेटीएम पेमेंट बैंक एजेंट का जो है यहाँ पर लोगो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र का पोर्टल यहाँ पर आ ही चुका था। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है आपको नए नए फीचर देखने को मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। दोस्तों पेटीएम के ऊपर जो है KYC को लेकर दोस्तों कुछ खास अपडेट आने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।